गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे डिस्कस कक्षा अष्टम संस्कृत पाठमाला महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। आज हम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में, केवल पटनायक के बारे में पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार कर अपने को वैज्ञानिक के रूप में साबित किए। उनकी जन्म पाटलिपुत्र के रूप में कुसुमपुर में हुआ। उनकी वेधशालाएँ क्या थी, उनकी परपिंड क्या थे, उनके खगोलीय पिंड क्या थे, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियो देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। रिवीजन क्लासेस के रूप में हम बात कर रहे हैं कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट कौन थे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपको महान गणितज्ञ के बारे में बता चुके हैं, अध्ययन करा चुके हैं। नाउ स्टार्ट कि आर्यभट्टस्य जन्म 476 तमे खिस्ताम्बे पाटलिपुत्र समीपे कुसुमपुरे अभवत। जो आर्यभट्ट हैं, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि उनकी जो खगोलीय पिंड की इमेज दिए हुए हैं, उनकी जो शून्य का आविष्कार जो किए थे, उनकी आर्यभट्ट के इमेज बहुत ही प्रलोभित करती हुई इमेज है, जो कि आर्यभट्ट के इमेज हैं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र के पास कुसुमपुर में हुआ। यहाँ पर बात की गई है कुसुमपुर एक पाटलिपुत्र में एक गांव है, वहाँ पर हुआ यह बताया गया है। आर्यभट्ट जन्म 476 ख्रीस्ताब्दे पाटलिपुत्र समीपी कुसुमपुरे अभवत। तत्रैव तस्य वेधशाला आसीत् यत्र स्थित्वा सह खगोलीयानां पिंडानां गते गणनानां करोति स्म। बात की जा रही है कि वहीं पर उनकी वेधशाला, वहीं पर कहाँ पर, पाटलिपुत्र के कुसुमपुर में, वहीं पर उनकी वेधशाला यानी जंतर मंतर थी, जहाँ रहकर वह खगोलीय पिंडों की गति की गणना करते थे, खगोलीय पिंड की गणना करते थे। गणना करना मतलब होता है गिनना। जहाँ पर बैठकर खगोलीय पिंड, जो कि पृथ्वी के जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बारे में बात की गई है, पिंडों के बारे में बात की गई है, उनकी गणना करना गणना करते थे। अनेन विरचितः आर्यभट्टियम् इति एक एव ग्रंथः प्राप्ति यत्र तस्य विषये अनेकाः सूचनाः लभ्यन्ते। सूचनाः लभ्यन्ते की बात की गई है कि इनके द्वारा रचा गया आर्यभट्टियम्, इनके द्वारा रचा गया क्या चीज़, आर्यभट्टियम की बात की गई है। एक ही ग्रंथ प्राप्त होता है, कितने ग्रंथ प्राप्त होता है, एक ही ग्रंथ प्राप्त थे यत्र तस्य विषये अनेका सूचनाः लभन्ते। मतलब बात की गई है कि जिसमें उनके विषय में, जिसमें उनके विषय में अनेक सूचनाएं मिलती है। कितनी सूचनाएं मिलती हैं, अनेक सूचनाएं मिलती हैं। कैसे सूचनाएं मिलती हैं, देखिएगा। एतद् अनुसारं तेन अयम् ग्रंथः त्रयोविंशति तमे वर्षे रचितः। सः गणिते नूतनान् प्रयोगानां कृत्वा नूतना गणेशानाम् अकरोत्, पुरातनानां रूढीनां निराकरणम् निराकरणं चापि कृतवान्। कृतवान् का मतलब होता है किया, निराकरण मतलब होता है निराकरण करना, पुरातनानां मतलब होता है पुरानी रूढ़ियों को लेकर बताया गया है कि उन्होंने सह गणिते नूतनान मतलब होता है नया चीज़ का प्रयोग करना होता है। उन्होंने गणित में नए नए प्रयोग करके नई खोजें की, क्या चीज़, उन्होंने गणित में नए प्रयोग करके नई खोजें की और पुरानी रूढ़ियों का भी निराकरण कर गलत साबित किया, जो कि पुराना रूढ़ियों को निराकरण किया और उन्हें गलत साबित किया बताया गया है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि जो महान गणितज्ञ है आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ, उन्होंने किसकी गणना की, किस चीज़ पर उनकी सूचनाएं के विषय में प्राप्त होते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे अध्ययन किया। सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा। तस्य प्रमुखा स्थापनाः सन्ति, तस्य प्रमुखा स्थापनाः सन्ति
शून्यस्य आविष्कारः पृथ्वी चलति न तु सूर्यः पायि इतस्य मानं सूर्यचन्द्रग्रहणयो वास्तविकमाकलनम् सूर्यं प्रति पूर्वाभिमुखः पृथ्वी प्रति वर्षः 365.25 मतलब यहाँ पर बताया गया है 365.25 वारं भ्रमन्ति भ्रमति बताया गया है भ्रमति मतलब होता है घूमना 365.25 की बात की गई है यानी 365 दिनों में है ना प्रति वर्ष में 365 दिन वह क्या करती है इसके बारे में बताया गया है देखिएगा तस्य प्रमुखा स्थापना संति उनकी जो प्रमुख स्थापनाएं यानी सिद्धांत है शून्यस्य आविष्कारः पृथ्वी चलती ना तो सूर्य शून्य के आविष्कार पृथ्वी चलती ना की सूर्य पाई मान पाई की बात की गई है मान की बात की गई है जो गणित की भाषाएं होती हैं पाई मान ठीक है एवं सूर्य चंद्र ग्रहणों वास्तविकानाम आकलनाम सूर्यम प्रति पूर्वाभिमुखः पृथ्वी प्रति वर्ष 365.25 वारं भ्रमति जो चंद्र ग्रहण होता है सूर्य एवं चंद्र ग्रहण वास्तविक आकलन यानी गणना सूर्य की ओर पूर्व की तरह झुकी हुई पृथ्वी पर झुकी हुई पृथ्वी प्रतिवर्ष कितनी 365.25 बार क्या करती है वह घूर्णन करती है घूमती है बताया गया है भ्रमति मतलब होता है घूमना प्रतिवर्ष में कितनी 365.25 बार क्या करती है घूमती है जैसे वर्गमूल की बात करते हैं घनमूल की बात करते हैं त्रिकोणानाम की बात करते हैं क्षेत्र फलम की बात करते हैं चक्रस्य परिधि व्यास नक्षत्र ज्ञानम ग्रह परिचय इत्यादि यहाँ पर बात की जा रही है कि वर्गमूल घनमूल त्रिकोणों का क्षेत्रफल चक्र की परिधि व्यास नक्षत्र ज्ञान ग्रह परिचय आदि देखिएगा जो आर्यभट्ट द्वारा क्या क्या खोज की गई है तम नतीन यथा नौकायाम स्थितः नौकाम स्थराम मत्वा अन्यान पर्वतादीनान पर्वतादीन गतिशीलानान गतिशीलान मनुते एवमे भूमध्य रेखा स्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम मत्वा सूर्यादिन चलान मनुतु बात की जा रही है कि मत्वा अन्यान पर्वतादीन गतिशीलान मनुतु एवं मेव भूमध्य रेखा स्थित मानवः पृथ्वी स्थिरा मत्वा सूर्यादिन चलान मनुतु बात की जा रही है कि जो उनके विचार से जैसे उनके विचार से क्या थे नाव में स्थित मनुष्य नाव को स्थिर मानकर नाव में स्थित मनुष्य नाव को स्थिर मानकर पर्वत आदि को गतिशील मानता है पर्वत आदि से गतिशील मानता है गतिशील मतलब होता है चलने की बात की गई है इसी प्रकार भूमध्य रेखा में स्थित इसी प्रकार क्या बताया गया है भूमध्य रेखा में स्थित मानव नाव को स्थिर मानकर पर्वत आदि को गतिशील मानता है सही बात है आप लोग देखेंगे कि मनुष्य उनके विचार से जैसे नाव में स्थित मनुष्य क्या बोला जा रहा है आप देखेंगे नाव में स्थित मनुष्य अगर नाव में अगर स्थिर रहेंगे मनुष्य नाव को स्थिर मानकर पर्वत आदि को गतिशील मानता है चलता हुआ मानता है उसी प्रकार भूमध्य रेखा में स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर मानकर सूर्य आदि को चलायमान मानता है सूर्य आदि को पृथ्वी में स्थित सूर्य आदि को क्या मानता है चलायमान मानता है यहाँ पर बात की गई है सूर्याय लिखा हुए हैं देखिएगा सूर्य आदि को क्या मानता है चलायमान मानता है तो मैंने सेकेंड पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि जो शून्य का आविष्कार पृथ्वी चलती है ना तो सूर्य चलती है बताया गया है पाई हो गया मान हो गया सूर्य चंद्र ग्रहण वास्तविक कलनाम सूर्य की जो पूर्वाधिकमान है पृथ्वी प्रतिवर्ष है एक वर्ष में कितनी 365.25 बार घूर्णन करती है घूमती है वर्गमूल हो गया घनमूल हो गया त्रिकोणों क्षेत्रफल चक्र की परिधि व्यास नक्षत्र ज्ञान आदि के बारे में उन्हें जानकारी है इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे अगर
आप नाव में स्थित हैं तो पर्वत आदि गतिशील लगते हैं आपको। उसी प्रकार जब भूमध्य रेखा में स्थित मानव पृथ्वी पर स्थित होते हैं तो सूर्य आदि को आप चलायमान मानते हैं, गतिशील मानते हैं, बताया गया है। बहुत ही अच्छी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में केवल पटना है जो कि हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है तमन तन्म अनुसारम सूर्य चंद्रयोः ग्रहणे राहु केतु नाम को दानव कारणम ना इस्तः अपितु यदा पृथिव्याः छायापातेन सूर्य चंद्रग्रहस्य। बात की गई है कि उनके मतानुसार, यानी तम न मतलब होता है उनकी मत के अनुसार, तम मतानुसारम सूर्य चंद्रयोः ग्रहणे राहु केतु मान को दानव कारणम ना इस्तः। यहाँ पर बात की जा रही है कि उनके मति के अनुसार यानी मता के अनुसार सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण में, सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण में राहु और केतु, राहु केतु नामक दानों कारण नहीं है, बल्कि अपितु यदा पृथ्वीभ्यः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुद्धयति। बात कीजिए कि बल्कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश ढक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, चंद्र का प्रकाश क्या हो जाता है, ढक जाता है। एवमेव यदा चंद्रः पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागच्छति। बात की जरी की एवमेव यदा चंद्रः पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागच्छति तस्य छायापादेन एवं सूर्यग्रहणं दृश्यति। किंतु तात्कालिकी समाजे एतेषां विचरणानां आर्यभट्टस्य च महान विरोधः अभवत्। की बात की गई है कि इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाते हैं, तब उनकी छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, सूर्यग्रहणम दृश्यति। किंतु सूर्यग्रहण क्या होती है, दिखाई देता है, सूर्यग्रहण दृश्यते, दृश्यते मतलब बताई दिखाई देना। किंतु तात्कालिकी समाजे एतेषां विचरणां आर्यभट्टस्य च महान विरोधम अभवत्। की बात की गई है कि किंतु तत्कालिक या भी तत्कालीन समाज में इन विचारों तथा आर्यभट्ट का बहुत विरोध हुआ। आर्यभट्ट के बारे में विरोध हुआ बताया गया है। कैसे विरोध होता है, सह पंडितानाम उपहास पात्रम जातः तथापि तस्य गवेषणाम अद्भुतः आसान। फिर भी इनकी खोज अद्भुत थी। कैसे अद्भुत थी बताया गया है, आधुनिकी वैज्ञानिकी ना केवलम तस्य सिंधदानाम अनुमोदनम कृतम अपितु तस्मिन् आदरभावः अपि प्रगटितः। प्रगटितः के बात की गई कि अपितु उसमें आदर का भाव भी प्रकट किया, जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने ना केवल उनके सिद्धांतों का अनुमोदन किया, अपितु उसमें आदर का भाव भी प्रकट किया। क्या चीज उसमें आदर का भाव भी प्रकट हुआ, तस्मिन् आदर भाव प्रकटितवान। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम अपि आर्यभट्ट इति कृताम। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रथम उपग्रह है
अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम अपि आर्यभट्ट इति कृतम्। इति कृतम् मतलब महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जो है प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट किया। हमारे देश के प्रथम उपग्रह का नाम अस्माकं मतलब होता है हमारे, प्रथम जो उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया। क्या किया? आर्यभट्ट किया। महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ धन्य है। धन्य खलु महान गणितज्ञ आर्यभट्ट धन्य चियम भारत भूमि, चियन भारत भूमि। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट धन्य है और यह भारत भूमि भी धन्य है जो उन्हें पाकर धन्य है, उन्हें पाकर धन्य है। यह बताया गया है कि इसको पाकर धन्य है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को पाकर भारत के जो भूमि है, भारत के जो लोग हैं, भारत भूमि धन्य है बताया गया है। तो इस प्रकार आर्यभट्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया कि आर्यभट्ट जो है कैसे अपने क्षेत्र में प्रगति किए, शून्य का आविष्कार कैसे किए, त्रिकोण का आविष्कार कैसे किए, वर्गमूल का घनमूल का कैसे उन्होंने जाना, ये सब चीज़ के बारे में आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ, महान गणितज्ञ ने केवल पाठनायक के रूप में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, अध्ययन कराने की कोशिश किया। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। उसी प्रकार शब्दाह वर्ड मीनिंग्स कुछ दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग्स को आप याद रखिएगा। वर्ड मीनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जैसे वेधशाला बताया गया है, ग्रह नक्षत्र, जानने का प्रयोगशाला, वसी, उम्र के बारे में बात की गई है, पुराता नाम, पुरानी स्थापना, मान्यताएँ और पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर झुकी हुई, चालान, चलायमान, अनुमोदन, स्वीकृत देना, लभ्यन्ते प्राप्त होते, गवेषणा, खोजे, निराकरणम, खंडम, वास्तविकतालाम, माकलनम, वास्तविक की गणना करना, मत्वा मानकर, अवरुद्धति रुकता है। तो ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं शब्दकोश का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। शब्दकोश का ज्ञान आपको अगर रहेगा तो अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि शब्दकोश ऐसी होती है, शब्दकोश के बारे में जानना ही बहुत ही उचित आ सकता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन क्लासेस के रूप में हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट रहेगा हम लोग की क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, ऑफलाइन के माध्यम से पीडीएफ भी भेजा जा चुका है। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अध्ययन कीजिएगा। बाय बेटा।